बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ खालिद हनीफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, थाउजेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की सीरीज की वीडियो नंबर एक ले आऊँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि PPSC, FPSC, NTS, PMS और CSS एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चैनल के साथ जुड़े रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और उनको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है जी, विच इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप कौन सा है? तो इसका जवाब है पश्तूनज। पश्तून अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान कौन सा है? तो वो है ताजक। ताजक सेकेंड लार्जेस्ट है और सबसे लार्जेस्ट कौन से है? वो पश्तूनज हैं। क्वेश्चन नंबर टू, विच बॉडी ऑफ वाटर कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा। ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जो वाटर बॉडी कनेक्ट करती है उसका नाम क्या है? तो उसका जवाब है बास्फोरस स्ट्रेट। बास्फोरस स्ट्रेट ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा को आपस में कनेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, विद विच वार इज नेम ऑफ फ्लोरेंस नाइटेंगल एसोसिएटेड। फ्लोरेंस नाइटेंगल एक बहुत मशहूर करेक्टर गुजरा है, तो वो कौन सी वार के साथ एसोसिएटेड है? इसका जवाब है क्रीमियन वार। क्रीमियन वार कब लड़ी गई थी? 1853 से लेकर 1856 तक, जो ये रशिया ने जो यूरोपियन स्टेट्स थे उनके साथ लड़ी थी, तो उसमें कैरेक्टर था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर फोर है, ग्रीनविच टाइम वाज स्टार्टेड इन। ग्रीनविच टाइम जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो इसका जवाब है 1884, 1884 के अंदर ग्रीनविच टाइम स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर फाइव है जी, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? तो इसका जवाब है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ट्राउट लेक इज प्रेजेंट इन। ट्राउट लेक, लेक ट्राउट लेक एक झील का नाम है, तो ये कहाँ पे वाक्य है? तो ट्राउट लेक इज प्रेजेंट इन कैनेडा। ट्राउट लेक कैनेडा के अंदर वाक्य है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, मैग्ना कार्टा वाज साइंड बाय किंग जॉन ऑन। किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा साइन किया था, ये एक मुल्क को चलाने का निज़ाम था, तो ये कब साइन किया था? ये 1215 AD, 1215 AD के अंदर मैग्ना कार्टा साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर एट, बोल्शेविक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। बोल्शेविक रेवोल्यूशन किस कंट्री से एसोसिएटेड है? ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन रशिया के अंदर आया था, और ये कब आया था? 1917 के अंदर। बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917 में रशिया के अंदर आया था। क्वेश्चन नंबर नाइन है, ट्रेवलर्स चेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इशूड इन। ट्रेवलर चेक सबसे पहले कब इशू हुए थे? तो इसका जवाब है 1891। ट्रेवलर चेक सबसे पहले 1891 के अंदर इशू हुए थे। क्वेश्चन नंबर टेन है, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू गिव वुमेन ए राइट टू वोट। सबसे पहले औरतों को वोट देने का हक किसने दिया था? तो इसका जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले औरतों को वोट देने का हक दिया था, और वो कब दिया था? 1893, 1893 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्लैपागोस आइलैंड्स आर लोकेटेड इन। ग्लैपागोस आइलैंड्स ये किस हवाले से मशहूर है? तो ये डार्विन के हवाले से मशहूर है। यहाँ पे डार्विन ने विजिट किया था, और वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट स्पीशीज देखी थी जानवरों की, तो ये वहाँ पे डार्विन की वजह से मशहूर है। तो ये कहाँ पे वाक़ है? ये पैसिफिक ओशियन के अंदर वाक़ है। ग्लैपागोस आइलैंड आर लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, द हाइएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन द वर्ल्ड इज। यानी कि दुनिया के अंदर तेजी से आबादी किस मुल्क की बढ़ रही है सबसे तेजी से? तो है बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय। रेड क्रॉस किसने बनाई थी? उसका नाम है हेनरी डोरेंट। रेड क्रॉस वाज फाउंडेड बाय हेनरी डोरेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच बैटल द डच डिफीटेड स्पेनियर्ड्स एंड पुर्तगीज। जो डच है ये हॉलैंड के रहने वाले हैं, इन्होंने स्पेन वालों को और पुर्तगाल वालों को कौन सी जंग के अंदर शिकस्त दी थी? तो यह बैटल ऑफ जिब्राल्टर बे। बैटल ऑफ जिब्राल्टर बे के अंदर डच ने स्पेनियर्स और पुर्तगीज को शिकस्त दी थी, और ये कब लड़ी गई थी? बैटल ऑफ जिब्राल्टर पे 1607 के अंदर, 1607 के अंदर जो बैटल फाट की गई थी उसके अंदर उन्होंने शिकस्त दी थी। क्वेश्चन नंबर 15 ही,
सेवन ईयर वॉर वॉज फॉट बिटवीन, जो 7 साल जंग है मशहूर है, वो कौन से दो कंट्रीज के दरमियान लड़ी गई थी? वो जी उसका आंसर है इंग्लैंड एंड फ्रांस। सेवन ईयर वॉर वॉज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 16 है जी, व्हेन पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश। PLO जो है, पैलेस्टीनियन लिबरल पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन, वो कब लड़ी गई थी? वो है कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो वो है 1964, 1964 के अंदर पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज बुजकशी? बुजकशी क्या है? तो ये क्या है? ट्रेडिशनल अफगान गेम है। बुजकशी क्या है? एक ट्रेडिशनल अफगान गेम है। ये एक पाकिस्तानी जो कुश्ती जो पाकिस्तान में लड़ी जाती है इस तरह की, वहाँ पे सॉरी ये कुश्ती नहीं बल्कि एक उसके ऊपर घोड़ों के ऊपर और गधों के ऊपर चढ़ के एक बॉल के साथ खेलते हैं, पोलो टाइप एक गेम है वहाँ की। क्वेश्चन नंबर 18 है, फोर फ्रीडम डॉक्ट्राइन वाज अनाउंस्ड इन 1941 बाय। फोर फ्रीडम डॉक्ट्राइन 1941 के अंदर किसने अनाउंस की थी? एफ डी रोजवेल्ट ने फोर फ्रीडम डॉक्ट्राइन अनाउंस की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट इन। जो मोरो इस्लामिक लिबरेशन है, ये कौन से कंट्री के अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए स्ट्रगल कर रही है? उसके बाद फिलिपाइन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो लिटरेसी का जो इंटरनेशनल डे है वो कब मनाया जाता है? इसको जवाब 8 सितंबर। हर साल 8 सितंबर को लिटरेसी का इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द नेम यूनाइटेड नेशंस वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड ऑन। जो नेम है यूनाइटेड नेशन का, ये ऑफिशियली कब अनाउंस हुआ था? 1 जनवरी 1942, 1 जनवरी 1942 के अंदर फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन का नाम ऑफिशियली अनाउंस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच इज दिस फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इन द वर्ल्ड। दुनिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कौन सी थी? वह है हेमबर्ग। हेमबर्ग दुनिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज मार्केट थी। क्वेश्चन नंबर 23, लैंड ऑफ 1000 आइलैंड इज द निक नेम ऑफ। लैंड ऑफ 1000 आइलैंड कौन से कंट्री का नेम है? तो वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया टोटली जजायर के ऊपर मुश्तमिल कंट्री है, तो टोटल 13,000 जजायर है इंडोनेशिया के अंदर, जिसकी वजह से इसको लैंड ऑफ 1000 आइलैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क इज नोन एज। जो डेनमार्क की पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है? उसे कहते हैं फोलकटिंग। डेनमार्क की पार्लियामेंट का क्या नाम है? फोलकटिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच इज द हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया का जो सबसे ऊंचा कैपिटल है लैटिट्यूड के हवाले से वो कौन सा है? तो वो है लापास। लापास इज द हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। और लापास कौन सी सिटी, ये कंट्री का कैपिटल है? बोलीविया का। लापास बोलीविया का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अमेरिका। अमेरिका दूसरा बड़ा दरिया कौन सा है अमेरिका का? तो है मिसूरी रिवर। मिसूरी रिवर अमेरिका का दूसरा बड़ा दरिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? वो है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट इंटरनेट यूजर्स। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर करने वाले कौन से कंट्री के बाशिंदे हैं? उसका जवाब है चाइना। चाइना दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 29 है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क एक पार्क का नाम है, तो ये कहाँ पे वाकई है? कहाँ पे वाकई है? ये यूएसए के अंदर। येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका के अंदर वाकई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एडिलेड सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर। एडिलेड सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो किस हवाले से मशहूर है? तो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे कि पाकिस्तान का फैसलाबाद हो गया, बरतानिया का मैनचेस्टर हो गया, तो इसी तरह एडिलेड सिटी जो ऑस्ट्रेलिया का है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से मशहूर है। और एडिलेड के अंदर क्रिकेट के मैचेस भी होते हैं, वहाँ पे एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड है, तो पाकिस्तानी टीम वहाँ पे भी मैच खेलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ट्रीज विच आर कंसिडर्ड टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया के जो सबसे बड़े दरख्त हैं वो कौन से हैं? वो है रेडवुड। रेडवुड इज द टॉलेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय लार्जेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी जुबान बोली जाती है बाय पीपल? तो वह चाइनीज। चाइनीज तकरीबन 13% लोग दुनिया के अंदर चाइनीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है,
विच प्लेस इज कॉल्ड द सिटी ऑफ एंजल्स, सिटी ऑफ एंजल्स कौन सी जगह को कहा जाता है? तो बैंकॉक, इसका जवाब है बैंकॉक, सिटी ऑफ एंजल इज कॉल्ड टू बैंकॉक। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ यूएस, जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ यूएस है इसका फाउंडर कौन था? तो इसका जवाब है अलेक्जेंडर हैमिल्टन। इससे रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन है, जो उनकी दूसरी मशहूर पार्टी है वो कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी। तो रिपब्लिकन का जो फाउंडर था वो अलेक्जेंडर हैमिल्टन था, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसका फाउंडर कौन था? थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन वॉज द फाउंडर ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूएसए। क्वेश्चन नंबर 36 है, चट्टागांग इज द सी पोर्ट ऑफ, चट्टागांग कौन से कंट्री की सी पोर्ट है? तो ये आपको याद होनी चाहिए, बांग्लादेश की। चट्टागांग बांग्लादेश की सी पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच इज द हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है? तो है थ्री गॉर्जियस डैम चाइना, चाइना का जो डैम है थ्री गॉर्जियस डैम वो हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड है। क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनेशनल डे ऑफ फर्स्ट एड इज ऑब्जर्व ऑन, फर्स्ट एड का जो इंटरनेशनल डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसको जवाब है 14 सितंबर, 14 सितंबर को फर्स्ट एड का इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द पार्लियामेंट ऑफ यूएसए इज कॉल्ड, यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है? तो उसका जवाब है कांग्रेस, यूएसए पार्लियामेंट इज कॉल्ड कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 40 है, फेमस बुक डिसआर्मिंग इराक, डिसआर्मिंग इराक एक बुक का नाम है, इज रिटन बाय, ये किसने लिखी है? तो हैंस ब्लिंक्स, हैंस ब्लिंक्स ने कौन सी बुक लिखी है? डिसआर्मिंग इराक इज रिटन बाय हैंस ब्लिंक्स। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिन इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ, बी आई एन इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ, इसका जवाब है इंडोनेशिया, बी आई एन बिन इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाउ मेनी बॉल्स आर यूज इन द प्ले इन द गेम ऑफ स्नोकर, स्नोकर में टोटल कितने बॉल इस्तेमाल होते हैं? तो टोटल 22 बॉल्स आर यूज इन द स्नोकर। क्वेश्चन नंबर 43 है, नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड कैलकुलेटर, कैलकुलेटर किसने इन्वेंट किया था, उस साइंटिस्ट का नाम बताएं? तो नाम है ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच इज द शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर तो आपको पता है कि वो नाइल है, और जो वॉल्यूम के लिहाज से वो अमेजोन है, लेकिन शॉर्टेस्ट रिवर कौन सा है? तो वो है रोय रिवर, आर ओ रोय रिवर। इसकी लंबाई कितनी है? टोटल 200 फुट है। क्यों इसकी लंबाई कम है? क्योंकि ये एक जॉइंट स्प्रिंग्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं, और मिसूरी रिवर, जो स्प्रिंग और मिसूरी रिवर के दरमियान का फासला है वो एक दरिया की शक्ल में पानी को मिसूरी रिवर में गिराता है, तो उसे क्या कहते हैं? रोय रिवर। उसकी टोटल लंबाई 200 फीट है, जो कि जॉइंट स्प्रिंग एंड मिसूरी रिवर के दरमियान बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ईयर वार वाज फॉट इन, 100 साल जंग, ये एक्चुअल में 100 साल की जंग नहीं बल्कि ये 115 साल बन जाते हैं, 1338 से लेके 1453, 1338 से लेके 1453 के दरमियान लड़ी गई थी, 115 साल बनते हैं फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान, फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान 1453 से में एंड हुई थी और 1338 में स्टार्ट हुई थी, तो ये 115 साल बनती है, जिसे 100 साल जंग कहा जाता है, फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान लड़ी गई थी। नेक्स्ट है, द बोस्टन टी पार्टी टुक प्लेस इन, बोस्टन टी पार्टी कब मनाई गई थी? तो इसका जवाब है जी 1773 के अंदर बोस्टन टी पार्टी मनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन 48, बुडापेस्ट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, बुडापेस्ट क्या है? सबसे पहले तो ये आपको पता होना, बुडापेस्ट क्या है? कैपिटल ऑफ हंगरी है, कैपिटल ऑफ हंगरी इज कॉल्ड बुडापेस्ट, और ये कौन से रिवर के किनारे? रिवर डोम्बे, रिवर डोम्बे के किनारे बुडापेस्ट सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, रेड रिवर इज प्रेजेंट इन, रेड रिवर कहाँ पे वाक्य है? तो ये यूएसए के अंदर, रेड रिवर अमेरिका के अंदर वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हु वाज द यंगेस्ट प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए, यूएसए का सबसे यंगेस्ट प्रेजिडेंट यानी कि सबसे जवान प्रेजिडेंट, छोटा प्रेजिडेंट कौन सा था? तो था जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी वाज द यंगेस्ट प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 51 है, अरब लीग कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज, अरब लीग में टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो इसके टोटल 22 मेंबर्स हैं, अरब लीग के टोटल 22 मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज इन,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाकई है? इसका जवाब है वियना। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। तो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कैपिटल कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर वाकई है। क्वेश्चन नंबर 53 है, हवाना इज फेमस फॉर। हवाना जो क्यूबा का कैपिटल है, ये किस हवाले से मशहूर है? तो ये सिगार मेकिंग, हवाना सिगार मेकिंग के हवाले से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाउ मैनी प्लेस डिड शेक्सपियर रोट? शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेस लिखे हैं? इसको जवाब है 37। शेक्सपियर रोट 37 प्लेस। क्वेश्चन नंबर 55 है, हु वाज द फर्स्ट फिजिक्स नोबेल प्राइज विनर इन 1901? 1901 के अंदर नोबेल प्राइज सबसे पहले किसने हासिल किया? वो था डब्ल्यू वी रॉन्गटन। रॉन्गटन जो के थे, उन्होंने सबसे पहला 1901 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 56 है, बी एंड डी इज द सीक्रेट एजेंसी। ऑफ बी एंड डी कौन से कंट्री की सीक्रेट एजेंसी है? तो यह जर्मनी की। बी एंड डी इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑन पेरोल? ऑन पेरोल जो अक्सर हमारा अक्सर ये कैदियों को छुड़ाया जाता है, तो इससे क्या मतलब होता है? कंडीशनल रिलीज फ्रॉम प्रिजन। जो कैद से उन्हें कोई शर्त के तौर पे छोड़ा जाता है, कि 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, कुछ शर्तियाँ उनको, यानी कि कोई किसी की डेथ हो जाती है या कुछ और इशू होता है, तो उसके लिए जो उन्हें छोड़ा जाता है उसे ऑन पेरोल कहा जाता है। कंडीशनल रिलीज फ्रॉम प्रिजन इज कॉल्ड ऑन पेरोल। क्वेश्चन नंबर 58 है, बियर इज द नेशनल सिंबल ऑफ। बियर कौन से कंट्री का नेशनल सिंबल है? वह है रशिया। बियर नेशनल सिंबल कौन से कंट्री का है? रशिया का। क्वेश्चन 59 है, बाउंड्री लाइन बिटवीन कैनेडा एंड यूएसए इज कॉल्ड। कैनेडा और यूएसए के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है, उसे क्या कहा जाता है? 49th parallel line। 49th parallel line जो है बाउंड्री लाइन का नाम है बिटवीन यूएसए एंड कैनेडा। क्वेश्चन नंबर 60, नेम द पार्लियामेंट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की जो पार्लियामेंट है उसको क्या नाम है? इसको कहते हैं शूरा। इजिप्ट की पार्लियामेंट को शूरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच स्ट्रीट इज फेमस फॉर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कौन सी कंट्री की जो स्ट्रीट है वो मशहूर है? अमेरिका की जो है वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क को स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के हवाले से मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच इज कंसिडर्ड द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सी जगह को कहा जाता है? जनरल असम्बली। जनरल असम्बली को पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया के मुताबिक को डिस्कस किया जाता है, उनके सोल्यूशन को ढूंढने का कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, बर्मा चेंज्ड इट्स नेम टू म्यांमार। बर्मा ने अपना नेम म्यांमार से कब चेंज किया था? यह 1989 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच इज वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। दुनिया की सबसे लंबाई वाली जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? वो है एंडस। एंडस माउंटेन रेंज इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। क्वेश्चन नंबर 65 है, द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड इज। दुनिया की जो लॉन्गेस्ट कैनाल है वो कौन सी है? तो है ग्रैंड कैनाल चाइना। ग्रैंड कैनाल चाइना इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। और इसकी लेंथ कितनी है? 1776 किलोमीटर, 1776 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच माउंटेन सिस्टम लाइज बिटवीन द ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के दरमियान कौन सी माउंटेन सिस्टम लाई करता है? तो है कॉक्सस। कॉक्सस जो है माउंटेन सिस्टम है वो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के दरमियान मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 67 है, साइंटिफिक सोशलिज्म इज कनेक्टेड विद। साइंटिफिक सोशलिज्म किसके साथ कनेक्टेड है? वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के साथ साइंटिफिक सोशलिज्म कनेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 68 है, द सॉकर वर्ल्ड कप वाज फर्स्ट कंटेस्टेड इन। सबसे पहला जो सॉकर वर्ल्ड कप था वो कब खेला गया था? वो है 1930। और कहाँ पे खेला गया था? यूरोगोए के अंदर। यूरोगोए के अंदर पहला सॉकर वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 के अंदर खेला गया। क्वेश्चन नंबर 69 है, द हाउस आर शेल्टर ऑफ जुलू ट्राइब। जुलू ट्राइब क्या है? साउथ अफ्रीका के अंदर एक ट्राइब रहता है, तो उसके जो हाउस और शेल्टर होता है उसे क्या कहा जाता है? क्राल। ये क्या होता है? ये जो झाड़ियों और दरख्तों के शाखों की मदद से घर बनाया जाता है और उसके इर्द गिर्द मिट्टी लगा दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्राल। क्राल जुलू ट्राइब का शेल्टर या हाउस होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, मजलिस ए मसूरात इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री। मजलिस ए मसूरात कौन से कंट्री की पार्लियामेंट है? तो है ब्रुनाई दारुसलाम। ब्रुनाई दारुसलाम की जो मजलिस ए मसूरात है वो उसकी पार्लियामेंट है। क्वेश्चन नंबर 71 है, बाउंड्री लाइन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है
उसका क्या नाम है? उसका नाम है 38 पैरेलल लाइन। 38 पैरेलल लाइन नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या? यूनाइटेड नेशन एमरजेंसी फंड फॉर चिल्ड्रन जो है उसका एब्रिविएशन है। तो उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 73। बिग फाइव फ्रांस इटली यूके यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका एंड जापान आर एसोसिएटेड विद। ये जो बिग फाइव था वो कौन सी चीज से रिलेटेड था? वर्ल्ड वार वन। ये वर्ल्ड वार वन के दरमियान पांच बड़े जो के थे हरीफ थे, ये आपस में यहाँ पे बिग फाइव वर्ल्ड वार वन के अंदर लड़े थे, जापान और सॉरी ये यूएसए और उनके जर्मनी के खिलाफ लड़े थे। क्वेश्चन नंबर 74 है, दस्ते लू डेजर्ट इज लोकेटेड। दस्ते लू कौन से कंट्री के अंदर है? तो ये ईरान का एक डेजर्ट है। क्वेश्चन नंबर 75, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर इज। दुनिया का जो एरिया वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ा दरिया है वो कौन सा है? अमेजोन। अमेजोन वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ा दरिया, यानी सबसे ज्यादा दरिया पानी इसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 76 है, वन यूएस बैरल इज इक्वल टू हाउ मेनी गैलन। वन यूएस बैरल कितने गैलन के बराबर होता है? वो है 42 गैलन। एक यूएस बैरल में 42 गैलन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट इज कॉल्ड। वो जगह जहाँ पे मक्खियों को, शहद की मक्खियों को रखा जाता है क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपायरी। शहद की मक्खियों को जहाँ पे रखा जाता है उसे अपायरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉर्डेनियन न्यूज एजेंसी। जॉर्डन है उर्दन की जो न्यूज एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो है पेट्रा। पेट्रा है जॉर्डन जॉर्डन की न्यूज एजेंसी का नाम। क्वेश्चन नंबर 79 है, हु हैज सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। चाइल्ड जो है वो फादर ऑफ मैन है, वो किसने कहा है? शेक्सपियर ने। शेक्सपियर ने क्या कहा? चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। क्वेश्चन नंबर 80 है, मॉर्निंग काम इज द फेमस नेम ऑफ। मॉर्निंग काम किसका फेमस नेम है? तो है कोरिया। कोरिया को मॉर्निंग पाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री की जो वुमेन प्रेसिडेंट सबसे पहले कौन बनी थी? होती मारिया स्टेट प्यू। मारिया स्टेट प्यू और वो कौन सी कंट्री की थी? अर्जेंटीना की थी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री अर्जेंटीना की मारिया स्टेट प्यू थी। क्वेश्चन नंबर 82 इसी से रिलेटेड है कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री की कौन थी? तो होती श्री मैवो बंदर नायके। श्री मैवो बंदर नायके और वो श्रीलंका की थी। सबसे वुमेन प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका से बिलोंग करती थी और सबसे पहले जो वुमेन प्रेसिडेंट थी वो अर्जेंटीना से थी। क्वेश्चन नंबर 83 है, माई चाइल्डहुड एंड मदर। माई चाइल्डहुड एंड मदर ये दो बुक्स हैं, ये किसने लिखी हैं? मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की की ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिक क्रिएशन है, माई चाइल्डहुड एंड मदर। क्वेश्चन नंबर 84 है, हु इज द पायनियर ऑफ सिखिज्म। सिखिज्म जो मजहब है उसका पायनियर कौन है? तो है बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक इज द पायनियर ऑफ सिखिज्म। क्वेश्चन नंबर 85 है, ग्रेट कंटेम्पोररीज वाज रिटन बाय। ग्रेट कंटेम्पोररीज क्या है? एक बुक है। तो ये किसने लिखी है? ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने लिखी है। ग्रेट कंटेम्पोररीज इज रिटन बाय विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 86 है, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी जो है वो कब स्टार्ट हुई थी? इसने अपनी ट्रांसमिशन कब स्टार्ट की थी? तो ये थी 1922, 1922 के अंदर। क्वेश्चन 87 है, जैम्बिया इज द न्यू नेम ऑफ। जैम्बिया कौन से कंट्री का न्यू नेम है? तो ये क्या है? नदरन रेडोशिया। नदरन रोडेशिया पहले उसका नाम था और आजकल उसे जैम्बिया कहा जाता है। क्वेश्चन 88 है, वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व ऑन। वर्ल्ड फूड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन 89 है, व्हेन रेड क्रॉस वाज एस्टेब्लिश। रेड क्रॉस कब एस्टेब्लिश हुई थी? रेड क्रॉस अभी हमने पढ़ा है कि हेनरी डोरेंट ने एस्टेब्लिश की थी। तो कब हुई थी? 1864 के अंदर रेड क्रॉस एस्टेब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 90 है, सीरियंस पार्लियामेंट इज नोन है। जो सीरिया की पार्लियामेंट है शाम की उसका क्या नाम है? उसको याद है पीपल्स काउंसिल। जो शाम की पार्लियामेंट है उसको पीपल्स पार्लियामेंट, पीपल्स काउंसिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोग्राम। अगर पानी का 1 लीटर लिया जाए तो उसका वेट कितना बनता है? तो वो 0.90 kg यानी कि 900 ग्राम। पानी का 1 लीटर 900 ग्राम में उसका वजन बनता है। 92 क्वेश्चन है, नेम ऑफ ट्री हुज वुड इज यूज फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट। कौन से दरख्त की ट्री को क्रिकेट बैट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो है विलो ट्री, बांस। विलो कहा जाता है, सॉरी बांस पता नहीं, ये विलो
एक ट्रीज का नाम है, तो उसकी जो वुड होती है वो क्रिकेट बैट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, जिनीवा अकॉर्ड विच प्रोवाइडेड द विथड्रॉल ऑफ सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान वाज साइंड इन। जो जिनीवा अकॉर्ड हुआ था कि जो रशियन ट्रूप्स थे वो यहाँ से निकल जाएंगे, वो कब साइन हुआ था? वो हुआ था 14 अप्रैल 1988 के अंदर, 14 अप्रैल 1988 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 94 है, हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन। वर्ल्ड बैंक जैसे आपको पता है जो दुनिया की पूरी मईशत को कंट्रोल कर रहा है, तो पता है कि पूरी दुनिया की पावर कौन है? अमेरिका है। तो इस तरह वर्ल्ड बैंक का कैपिटल जो हेड क्वार्टर है वो भी वाशिंगटन डीसी के अंदर वाकई है। क्वेश्चन नंबर 95 है, व्हेन तालिबान रिजीम केम इन टू पावर इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत कब आई थी? तो है 1996, 1996 के अंदर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हुई थी। क्वेश्चन नंबर 96 है, द कलहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन। कलहारी डेजर्ट कहाँ पे वाकई है? तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर वाकई है, और ये कहाँ तक फैला हुआ है? 1,40,000 माइल्स के ऊपर ये फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 97 है, खरतूम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। खरतूम कौन से बैंक के किनारे पे वाकई है? तो यह नाइल रिवर, खरतूम रिवर नाइल के किनारे पर वाकई है। 98 क्वेश्चन है, द पॉलिटिक्स ऑफ ट्रूथ। पॉलिटिक्स ऑफ ट्रूथ एक बुक है, वॉज रिटन बाय, किसने लिखी थी? जोसेफ विल्सन। पॉलिटिक्स ऑफ ट्रूथ इज रिटन बाय जोसेफ विल्सन। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट अबॉलिश स्लेवरी। स्लेवरी को सबसे पहले किसने खत्म किया था? तो है अब्राहम लिंकन। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी को अबॉलिश किया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, त्रिबेला डैम वाज कंस्ट्रक्टेड इन। त्रिबेला डैम कब बनाया गया? जो है 1976। त्रिबेला डैम वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1976। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इसको। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।